हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय एमी किचन चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही डिलीशियस एंड हेल्दी वेजिटेबल बिरयानी रेसिपी। ये बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होता है। चलो हम देखते हैं इसे बनाने का तरीका साथ साथ उसके इंग्रेडिएंट्स। 2 kg चावल को मैंने अच्छी तरह से धोकर उसे भीगने रख दिया है। नेक्स्ट हम लेंगे 1 kg चिकन। नेक्स्ट हम लेंगे 100 ग्राम ताज़े मटर एंड 100 ग्राम बीन्स और 100 ग्राम कैरेट और 100 ग्राम डबल बीन्स, 100 ग्राम आलू। नेक्स्ट हम लेंगे 100 ग्राम लहसुन का पेस्ट, 100 ग्राम अदरक का पेस्ट, हाफ कटा हुआ कोथिमीर, हाफ कटा हुआ पुदीना, 10 से 12 हरी मिर्च, 400 ग्राम कटे हुए टमाटर, 400 ग्राम कटा हुआ ऑनियन, 2 लेमन। नेक्स्ट हम लेंगे स्पाइसेस में 1 टीस्पून कलर पाउडर, 2 टीस्पून चिल्ली पाउडर हसबे ज़रूरत, सॉल्ट एंड पट्टा लौंग इलायची, 1/2 लीटर रिफाइंड ऑयल। नेक्स्ट हम एक बर्तन रखेंगे, बर्तन में 1/2 बर्तन तक पानी को भर लेंगे, हसबे ज़रूरत सॉल्ट एंड कलर पाउडर को ऐड करके मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट हम उसे बंद करके गैस में पकने रख देंगे जब तक ये पानी पकता रहे। नेक्स्ट हम और एक बर्तन लेंगे, ये बर्तन कुरमे के लिए है। बर्तन रखने के बाद गैस को ऑन करके थोड़ी देर हीट होने देंगे। नेक्स्ट हम उसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल को थोड़ी देर हीट होने देंगे। नेक्स्ट हम उसमें ऐड करेंगे पट्टा लौंग और इलायची। इस तरह से मैंने पट्टा लौंग इलायची को ऐड कर दिया है। ये अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद नेक्स्ट हम उसमें ऐड करेंगे 1 मुट्ठी कटे हुए ऑनियंस। ऑनियंस को ऑयल में अच्छी तरह से लाइट ब्राउन आए तक फ्राई कर लेंगे। इस तरह से फ्राई करने से बिरयानी का स्वाद और कलर परफेक्ट होता है। अभी ऑनियन लाइट ब्राउन हो चुका है। नेक्स्ट हम उसमें ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट। लहसुन के पेस्ट को ऐड करने के बाद उसे अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। जब तक फ्राई करेंगे तब तक उसमें कच्ची खुशबू चले जाए। अब ये परफेक्ट से फ्राई हो चुका है। नेक्स्ट हम उसमें ऐड करेंगे चिल्ली पाउडर। चिल्ली पाउडर को ऐड करने के बाद उसे भी अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स कर लेंगे। ये अब परफेक्ट से मिक्स हो चुका है। नेक्स्ट उसमें हम ऐड करेंगे क्लीन से धोए हुए चिकन पीसेस विदाउट वाटर के। चिकन को अच्छी तरह से धोकर उसका वाटर निकालकर चिकन को ड्राई कर लिया है। उस चिकन को ऑयल में ऐड करने के बाद ऑयल में फ्राई करेंगे। इस तरह से ऑयल में फ्राई करने से जो भी बचा हुआ चिकन में वाटर है और उसकी कच्ची बू है चले जाएगी। इस तरह से हिलाते हुए ऑयल में चिकन को फ्राई कर लेंगे। एक 5 to 10 मिनट्स के लिए फ्राई करेंगे। नेक्स्ट हम उसमें ऐड करेंगे हसबे ज़रूरत सॉल्ट। सॉल्ट को ऐड करने के बाद इसे भी अच्छी तरह से चिकन में मिक्स करके फ्राई कर लेंगे। अब ये हमारा चिकन ऑयल में परफेक्ट से मिक्स हो चुका है। मिर्ची और नमक का स्वाद उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। नेक्स्ट हम उसमें ऐड करेंगे ऑल कटे हुए वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स को ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि चिकन का जो भी स्वाद है वो वेजिटेबल्स में मिक्स हो जाए। नेक्स्ट हम उसमें ऐड करेंगे कटे हुए कोथिमीर, कटे हुए पुदीना और 5 से 10 हरी मिर्च। हरी मिर्च को ऐड करने के बाद नेक्स्ट हम उसमें ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर। टमाटर को ऐड करने के बाद नेक्स्ट उसमें ऐड करेंगे कटे हुए ऑनियंस। इस तरह से थोड़ा ऑनियंस फर्स्ट में मैंने ऐड किया है, जो भी बचा हुआ ऑनियन है उसे हम लास्ट में ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर पेस्ट।
जिंजर पेस्ट को मैंने फर्स्ट में नहीं ऐड किया था, इसे हम लास्ट में ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम उसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम घर में बना हुआ टेस्टी कर्ड। इस तरह का कर्ड इसमें ऐड करने से बिरयानी का फ्लेवर एंड टेस्ट बहुत ही डिलीशियस होता है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद उसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। नेक्स्ट हम उसमें ऐड करेंगे 2 कटे हुए लेमन जूस। लेमन जूस को ऐड करने के बाद उसे भी अच्छी तरह से मिक्स करके 10 मिनट्स के लिए पकने देंगे। अब उसे बंद करके धीमी आंच में रख दिया है। नेक्स्ट हम जो अदन रखे थे वो अच्छी तरह से अब पक रहा है, उसमें हम ऐड करेंगे भिगा के रखा हुआ चावल। चावल को इस तरह से मैंने ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद उसे एक 5-10 मिनट्स के लिए पकने देंगे। अब 5 मिनट्स हो चुका है, चावल भी अब हाफ बॉईल हो चुका है। नेक्स्ट हम उसको पानी से अलग स्टीम कर लेंगे। इस तरह से मैंने चावल को छान लिया है। परफेक्ट बिरयानी के लिए चावल का हाफ बॉईल होना ज़रूरी है। अगर चावल थोड़ा भी गल जाएगा तो बिरयानी का स्ट्रक्चर बिल्कुल बिगड़ जाएगा। अब ये परफेक्ट से बनकर रेडी हो चुका है, इसलिए मैंने इसे छान लिया है। इस तरह फुल चावल मैंने छान कर पानी को ड्राई कर लिया है। अब छाना हुआ चावल जो खुरमा रेडी हो चुका है उसमें हम ऐड कर लेंगे। तरह से ड्राई किया हुआ चावल मैंने खुरमे में ऐड कर लिया है, उसे अब हम खुरमे के साथ अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके मिक्स कर लेंगे ताकि खुरमे का जो भी स्वाद है वो चावल में परफेक्ट से मिक्स हो जाए। हमने चावल को हाफ बॉईल ही किया था क्योंकि खुरमे में भी हाफ वाटर है, वो वाटर से ये खुरमा परफेक्ट से चावल को दम कर देगा। अब हमने इसे अच्छी तरह से खुरमे में मिक्स कर लिया है, इसे हम अब 10-15 मिनट्स के लिए धीमी आंच में बंद करके इसे दम को रख देंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद इसे बंद करके 15 मिनट्स के लिए दम को रखकर अब मैंने ओपन किया है। 15 मिनट्स हो चुका है, हमारी बिरयानी दम बिरयानी वेजिटेबल्स के साथ अब इसे हम दम एक हो चुकी है सर्विंग प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। इस तरह से मैंने एक प्लेट लिया है, अब हम उसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। टेस्टी टेस्टी और यम्मी वेजिटेबल बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्तों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट करके हमारे चैनल को वायरल कर दीजिए। नेक्स्ट हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।